तो हे दोस्तों, वेलकम टू कर्माकार यूट्यूब हेल्पलाइन चैनल। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद एक रिचार्ज वाला एप्लीकेशन लाया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, जो भी एप्लीकेशन बेकार होता है उस एप्लीकेशन के बारे में मैं वीडियो चैनल पर नहीं बनाता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, पहले मैं खुद उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ दिन यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, भैया कोई रिचार्ज वाला ऐप्स लाओ, कुछ कमीशन वाला ऐप्स लाओ, कुछ डिजिटल वाला ऐप्स लाओ। तो मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे ये ऐप मिला। एप्लीकेशन के अंदर इतना सारे फीचर मिला जो कि ये मेरे लिए नया है। जी हाँ दोस्तों, सच बात बोल रहा हूँ, इस एप्लीकेशन पे जितना सारे फीचर है उसके बारे में पहले से मुझे पता नहीं था कि भाई एक एप्लीकेशन के अंदर इतना सारे फीचर ऐड हो सकती है, जितना सारे फीचर इस एप्लीकेशन के है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के बारे में चैनल पर फर्स्ट वीडियो है, तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपके दिमाग में घुसेगा भाई एप्लीकेशन काम कैसे करती है, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर फीचर ही कुछ ऐसा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, भाई मैं आपको सभी फीचर के बारे में थोड़ा बहुत समझाने वाला हूँ। ये जो फीचर है ना, इस फीचर जो इतना सारे फीचर है, आशा करता हूँ आप भी किसी भी एप्लीकेशन पे अभी तक नहीं देखे हैं। अभी जो इस एप्लीकेशन पे इतना सारे फीचर है, तो आपको एक डिजिटल दुनिया पे आने के लिए ये बहुत बढ़िया एक रास्ता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे इतना ज़्यादा फीचर है कि आपको पूरा डिजिटल दुनिया क्या है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना। मैं मोबाइल स्क्रीन पर आपको पूरा डिटेल दिखाने का और समझाने का कोशिश करता हूँ। सो दोस्तों, चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर कमेंट करना। हेलो दोस्तों, हम लोग फाइनली आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, इसी एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो सिंपल सी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपको करना पड़ेगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ अलग एंड हटके सा है, तो मैं इस वीडियो का इन तक आपको समझाने का कोशिश करूंगा। आशा करता हूं मैं आपको समझा पाऊंगा। तो इससे पहले मैं इस एप्लीकेशन पे जो जो काम होता है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, आप भी ध्यान से वॉच करो। दोस्तों, इस पे मैं ₹50 ऐड करके रखा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को डायरेक्टली पेमेंट प्रूफ दिखाने के लिए। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से, ये रिटेलर एप्लीकेशन का इंटरफेस है। मतलब आप एक दुकानदार होते हैं, तो आप दोस्तों को या फिर किसी भी व्यूअर्स को, किसी भी आपका जो रिचार्ज करने के लिए आपका दुकान पे आता है, उन लोगों को रिचार्ज करने के लिए आपका ये अकाउंट है, जो रिटेलर अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूटर भी अकाउंट है, सब कुछ फैसिलिटी है। मतलब इस पर आपको बोल रहा हूँ ना, इस पर कुछ भी कम नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो मैं इसी अकाउंट पे फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट, एम पॉस है कि जो पॉसिंग करके आपका जो विड्रॉल होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट देके जो विड्रॉल करती है ना आधार के मदद से, ऐसा भी सिस्टम है। अगर आप एक दुकानदार बनती है, डिजिटल दुकान आपके लिए इस एप्लीकेशन पूरा दुकान को संभाल लेगा। पैन कार्ड है, IMPS है, सबका सब है। तो इसको आप, ये चारों फीचर यहाँ पे नया है, आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। उसके बाद मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, उसके बाद जो रिचार्ज के रिलेटिव होती है सब कुछ यहाँ पे, इंश्योरेंस है, गैस है, वाटर, यहाँ पे मोर का आइकन के ऊपर प्रेस करके, और यहाँ पे लोनर के जो लोन का जो EMI होता है वो भी पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे ब्रॉडबैंड भी है, सिंपल सी प्रोसेस है यहाँ पे सभी का सभी। देन यहाँ पे नीचे और भी कुछ आपको बटन मिल जाती है, एंड नीचे और 5 बटन मिलती है। तो यहाँ पे जो एक कैलकुलेट का बटन है, यहाँ से कुछ बैंक डिटेल जो फाउंड होती है उसका सिस्टम है। देन यहाँ पे बीच वाला आइकन के ऊपर जब प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको ई कॉमर्शियल दिखाएगा। देन यहाँ पे कॉल अस के ऊपर जब प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस का नंबर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रेस टू कॉल, डायरेक्ट प्रेस करते आपको रिडायरेक्ट कर देगी कॉल पर। देन यहाँ पे लास्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री यहाँ पे कौन चीज़ का हिस्ट्री देखना चाहते हैं सब यहाँ पे डिटेल पे है। देन दोस्तों, इस पर आपको कमीशन कैसा मिलता है वो भी आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, कमीशन क्या है इस पे कमीशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। इस पे क्या होता है कमीशन, जियो पर आपको मिल जाती है 4.5, मतलब ₹4.50 कमीशन मिल जाती है, मतलब 4.5
5% कमीशन, देन वोडाफोन पे आपको मिल रही 3.7 कमीशन, देन आपको बीएसएनएल पे 4.5, आइडिया पे 3.7 एंड एयरटेल पे कम है 2.5%, देन उसके बाद में आपको जो डीटीएच का है ये होता है एयरटेल का डीटीएच पे 3.6, उसके बाद डिश टीवी का डीटीएच पे 3.7, वीडियोकॉन पे 3.7, टाटा स्काई पे 3.3, सन टीवी पे आपको 3.5, देन आपको जिंक टीवी पे आपको 3.7। देन यहाँ पे दोस्तों किस तरह से क्या करना पड़ेगा वो भी मैं चलो पहले मैं आपको रिचार्ज करके दिखा रहा हूँ। सिंपल सी प्रोसेस, मैं यहाँ पे एक नंबर पे रिचार्ज करता हूँ, तो जो मेरा नंबर है यहाँ पे मैंने एक नंबर को एंटर कर दिया, देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इसको मैनुअली कर सकते हैं। देन प्रीपेड पोस्टपेड दोनों अवेलेबल है, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफर के जो ऊपर प्रेस करते हैं तो आपका सभी ऑफर शो हो जाती है। देन यहाँ पे व्यू प्लान के ऊपर प्रेस करते हैं तो आपका जो प्लान है आप अपना सेलेक्ट करके प्लान भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो रिचार्ज करने का जरूरत नहीं, पर मैं 10 रुपया रिचार्ज करके दिखा देता हूँ आपको। लिए यहाँ पे प्रोसेस टू पे के ऊपर जब प्रेस करते हैं तो इस तरह से कन्फर्म बोला कि हाँ भाई आपका नंबर है, नंबर आप मिला लीजिए। तो सिंपल से नंबर एक बार मिला लो, देन सिंपल से यस कर दो। यस करने के बाद दोस्तों ये कुछ ही सेकंड के अंदर आपका पेमेंट कर, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 1 सेकंड टाइम लगा और मेरा मोबाइल पे जो ओपोनेंट दूसरा मोबाइल है उस पे ऑलरेडी मेरा बैलेंस आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सी प्रोसेस होता है इस पे बैलेंस लाने की, 1 सेकंड के अंदर ये एप्लीकेशन काम करती है। तो दोस्तों मैंने एयरटेल का किया था, एयरटेल पे कमीशन सबसे कम होती है इसीलिए मैं एयरटेल पे ही करके दिखाया। तो यहाँ पे देख सकते 10 रुपया का रिचार्ज किया तो यहाँ पे मुझे 25 पैसा मुझे रिटर्न मिल गया, इंस्टेंट मिल गया। अगर मैं ये वोडा पे करता तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा, इससे कहीं गुना ज़्यादा मिलता। तो आप अपना मर्जी से, मतलब अगर जियो का कोई क्लाइंट आता है जियो का रिचार्ज करने के लिए, उसके लिए बेस्ट होता है कि आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो सिंपल से आप इस पर काम करके देखो। और दोस्तों इस पर बात क्या है, इस पर क्या होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं साइड स्क्रीन पे एक नंबर चिपका रहा हूँ, 2-3 नंबर है, एक तो नहीं 2-3 नंबर मैं आपको चिपका रहा हूँ, जिसको साथ आप कॉन्टैक्ट करके अपना जो इसको किस तरह से आपको लेनी है आपको अकाउंट आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड उस पर कॉल करके आपको पूरा समझा देगा। देन दोस्तों सिंपल से क्या क्या लगता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब भेजना पड़ेगा, जो मैं साइड स्क्रीन नंबर दे रहा हूँ उसके पास आपको नेम लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, आपको एड्रेस लगेगा, ईमेल आईडी, पिन कोड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसको व्हाट्सएप में सेंड करना है। सिंपल सी प्रोसेस होता है क्योंकि भाई ये फुल केवाईसी कर लेती है आपका, क्योंकि आपका ये एक बिजनेस है डिजिटल बिजनेस, या फिर कुछ कम है आपके पास मतलब कि आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं है तो दिक्कत नहीं है भाई, साइड स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, कॉल करके बात कर लो आपको पूरा समझा देगा, नहीं है तो भी ये कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकल ही जाएगा। देन दोस्तों इस पे आपको पैसा यहाँ पे ऐड कैसे करनी है, दोस्तों पैसा ऐड करने के लिए बड़ी आसान ट्रिक है जो मैं साइड स्क्रीन पे नजर उसके साथ बात भी कर सकते, या फिर यहाँ पे कुछ गूगल पे फोन पे का नंबर भी दे रहा हूँ इसके साथ, इसको कॉल करके मतलब कि आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम है पे फॉर यू, इसके साथ कॉल करके बता सकते हैं, या फिर मैं कुछ व्हाट्सएप गूगल पे फोनपे का नंबर भी दे दूंगा तो आप इसी से भी बात कर सकते हैं, बड़ी आसान ट्रिक है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन इस तरह से काम करती है, अगर कोई दिक्कत हो जाती है आपका तो जरूर से जरूर इस साइड स्क्रीन पे जो हेल्पलाइन नंबर है ना फोर, यहाँ पर भी आपको कॉल आस के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, टच करते आपको कॉल लग जाए, आपका पूरा प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम होता है ये आपको रिसॉल्व कर देगा बहुत जल्दी। तो सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय।